तो गाइस गाड़ी तक आ गए हैं, हमारा सामान रखा जा रहा है। राहुल अभी तक आया नहीं है, ड्राइवर साहब तो आ गए टाइम पे, एकदम 7:30 बजे पहुंच गए हैं। 7:30 नहीं, 7 बजे 7 बजे आ गए? 7 बजे ओहो, 7 बजे आ गए। तो गाड़ी हमारी यहाँ खड़ी है, हम लोग रेडी होके निकल रहे हैं गाइस, बस राहुल का वेट हो रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो राहुल भी आ चुका है और ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे हैं, तो हम लोग निकल चुके हैं गाइस एयरपोर्ट के लिए। तो अब आप लोगों से मिलते हैं सीधा एयरपोर्ट पे। गाइज एयरपोर्ट आ चुके हैं, अब सामान हमारा निकल रहा है। हैंड बैग है, हमारी ट्रॉली आ चुकी है, तो अब जाएंगे गाइज हम लोग अंदर चेक इन करेंगे। गाइज अंदर आ चुके हैं, अभी जा रहे हैं हम लोग एयर इंडिया का काउंटर। ट्रॉली अपनी यहाँ पे चल रही है गाइज। देखो सुबह सुबह कितनी भीड़ है एयरपोर्ट पे, लोग सुबह सुबह ट्रैवल कर रहे हैं। मैं भी तो कर ही रहा हूँ वैसे। जाते हैं गाइज एयर इंडिया का काउंटर, ट्रॉली को देते हैं चेक इन बैगेज में, उसके बाद जाएंगे सिक्योरिटी चेक में। गाइस एयर इंडिया के काउंटर पे आ चुके हैं और अभी लाइन में खड़े हैं गाइस, क्यू में खड़े हैं। अभी दोनों बैगेज डालेंगे चेक इन बैगेज में, उसके बाद सिक्योरिटी चेक में जाएंगे। तो गाइस चेक इन बैगेज डाल दिए हैं, अब सिक्योरिटी में आ चुके हैं, सिक्योरिटी चेक करते हैं। तो गाइस गेट नंबर 21 से हमारी फ़्लाइट जाएगी, अब यहीं से हम लोग चेक इन करेंगे। हम लोग दोनों के बोर्डिंग पास दोनों के हाथ में है, राहुल यहाँ खड़ा है, अब चेक इन करेंगे गाइस अंदर बैठ के, आप लोगों से मिलते हैं। तो गाइस सनग्लास देखने आया हूँ अभी मैं सनग्लास की शॉप पे, मेरा सनग्लास खो गया था। ये वाला कैसा लग रहा है गाइस मुझे कमेंट करके बताइएगा। और भी काफ़ी सारे सनग्लासेस हैं यहाँ पे, राहुल भी देख रहा है, कुछ पसंद आया भाई? तो गाइस सनग्लास देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं और चेक इन करते हैं। तो गाइस दोनों भाई सनग्लास ले चुके हैं, अब सनग्लास लेके जा रहे हैं गाइस, अब करेंगे चेक इन। गाइस सनग्लास ले लिए हैं, अब जाते हैं बोर्डिंग करते हैं। गाइस चेक इन हमारा हो चुका है, हम लोग अंदर आ चुके हैं, अब जाते हैं फ्लाइट में और बोर्डिंग करते हैं गाइस। तो गाइस अंदर आ गए हैं, अभी अपनी सीट की तरफ जा रहे हैं, सीट पे बैठते हैं। गाइस फ्लाइट में बैठ चुके हैं, मेरी सीट पे मैं बैठा हूँ, यहाँ राहुल बैठा है। अब आधे घंटे अभी भी टाइम है गाइस, 9:40 की फ़्लाइट है, 9:10 हो रहे हैं। तो अब गाइस जैसे ही लैंड करते हैं उसके बाद मिलता हूँ आप लोगों से। ब्रेकफास्ट आ चुका है, यहाँ पे ब्रेकफास्ट में अपने पास एक घुगनी, लच्छा पराठा, यहाँ पे कटलेट है, मीठा दही है, बटर है और एक ब्रेड है गाइस। तो चलिए अब मॉर्निंग का नाश्ता करते हैं एयर इंडिया की तरफ से। तो गाइस हमारी कॉफ़ी आ चुकी है, अब कॉफ़ी पीते हैं। टाइम हो रहे हैं गाइस 11:10 बाकी है, 12:35 तक हम लोग मुंबई लैंड कर जाएंगे गाइस। तो कॉफ़ी पीते हैं। तो गाइस एयरपोर्ट लैंड कर चुके हैं, अब जाएंगे लगेज लेंगे
उसके बाद निकलेंगे गाइस होटल के लिए। तो गाइस हमारा लगेज आ चुका है, हम निकलते हैं गाइस और टैक्सी पकड़ते हैं। चल राहुल आजा। ये 13 नंबर बेल्ट में हमारा लगेज था गाइस। अब एग्जिट करते हैं, बाहर जाके पकड़ते हैं टैक्सी। तो गाइस टैक्सी में बैठ चुके हैं, अब जा रहे हैं होटल। हमारा होटल बुक है, यहाँ से 7 मिनट्स का टाइम लगेगा पहुँचने में। तो होटल पहुँच के मिलता हूँ गाइस आप लोगों से। तो गाइस हम लोगों ने रूम में चेक इन कर लिया है। रूम आप लोगों को मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। ये है हमारा टॉयलेट गाइस, यहाँ पे इसमें शावर लेने की जगह है। और ये हमारा लगेज यहाँ पे आ गया। ये मिरर है, ये टीवी है गाइस, ये है हमारा बेड जिस पे हम लोग सोएंगे, ये है सोफ़ा, राहुल यहाँ पे रेस्ट कर रहा है, ये है टेबल, साइड टेबल। यहाँ पे गाइस कॉफ़ी के लिए है, बनाने के लिए सुविधा। यहाँ नीचे है फ्रिज, ये एक साइड में हमें वार्डरोब दे रखा है। और यहाँ पे है गाइस लॉकर। और रूम से गाइस व्यू दिखा देता हूँ आप लोगों को। सिटी व्यू मिला है हम लोगों को, आप देख सकते हैं सामने ब्रिज है, रोड है, गाड़ियाँ जा रही हैं, तो ठीक ठाक व्यू मिल गया है। अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं गाइस, थोड़ी देर में मिलता हूँ आप लोगों से। तो गाइस अभी क्रिकेट मैच देख रहे हैं, इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया। तो गाइस आज आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आज का मैच कौन जीतने वाला है। तो गाइस रेडी हो चुका हूँ मैं इवेंट में जाने के लिए। आज आप लोगों को सरप्राइज देने वाला हूँ, बहुत ही तगड़ा मीटअप होने वाला है। तो अभी निकलेंगे गाइस थोड़ी देर में होटल से, 7 बजे से हमारा इवेंट स्टार्ट होगा। तो आप लोगों से डायरेक्ट मैं इवेंट में मिलता हूँ गाइस। यहाँ पास में ही है, यहाँ से 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारा होटल है जहाँ पे इवेंट होने वाला है, तो वहीं पे आप लोगों से मिलेंगे गाइस। तो गाइस बैठे हैं अभी यहाँ पे, इवेंट स्टार्ट होने वाला है कुछ देर में। हम लोगों को हमारी सीट मिल चुकी है, देख लीजिए यहाँ पे हमारा नाम लिखा हुआ है कंपनी का, SS प्रॉपर्टी, T9 टेबल नंबर में हम बैठे हैं। तो इवेंट ऑलमोस्ट स्टार्ट होने ही वाला है, बने रहिएगा गाइस। इवेंट हमारा स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी लोग यहाँ पे आ चुके हैं और अभी नाश्ता पानी चल रहा है यहाँ पे। National Quality Awards recognizes outstanding quality in products or services. It's a salute to those who consider... So guys, वहाँ स्टेज पे ऋत्विक भाई है और राहुल रंजन सिंह जी है जो कि इस ब्रांड एम्पावर के फाउंडर हैं। अब थोड़ी देर में शिल्पा शेट्टी जी आने वाली हैं, तो बने रहिएगा गाइस। तो गाइस अभी थोड़ी देर में शिल्पा शेट्टी जी यहाँ पे आने वाली है और मैं भी जाऊँगा थोड़ी देर में स्टेज पे अवार्ड लेने के लिए, तो बने रहिए गाइस। तो गाइस सब कोई अभी बैठे हैं यहाँ पे, इंतज़ार हो रहा है शिल्पा शेट्टी जी का, सबको इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा पीछे आना भाई, थोड़ा यहाँ आ जाना, हाँ ठीक है। तो गाइस अभी वेट कर रहे हैं, शिल्पा शेट्टी कुंद्रा जी आने वाली है, बने रहिए गाइस। ये पूरा बॉल रूम है, तो गाइस फाइनली शिल्पा शेट्टी कुंद्रा जी आ चुकी है। अब थोड़ी देर में अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होने वाला है, उसमें अपना भी नाम है, हम भी जाएंगे स्टेज पे। शिल्पा शेट्टी जी आ चुकी हैं।
ladies and gentlemen, Shilpa Shetty. Good night, everybody. So guys, Shilpa Shetty ji aa chuki hain. Sabse pehle main how are you doing, ma'am, and how's everything going? Thank you so much for being with us. And tell us how you feel. I feel very empowered today because I am at this very empowering event. Congratulations to Rahul Ranjan Singh ji for this great initiative, mujhe invite karne ke liye, and to all the winners, congratulations. And Ritwik, we are matching as usual. So just wishing this event to be super se bahut bahut upar. Alright, so without much wait, we're going to quickly now begin with the award ceremony. Everybody make some noise and a huge round of applause before we begin for all the winners. Industry Leaders Awards 2023. We're going to start off with our first set of awards, and here we are. Yes, Industry Leaders Awards 2023. Congratulations to तो गाइज मेरा अवार्ड मुझे मिल चुका है, सर्टिफिकेट भी मिल चुका है, यहाँ पे रखा हुआ है। शिल्पा शेट्टी जी ने मुझे ये अवार्ड दिया है, यही सरप्राइज था गाइज आप लोगों के लिए। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सरप्राइज कैसा लगा गाइज। तो गाइज फाइनली आ गया मैं होटल वापस, और गाइज जो सरप्राइज मैंने आप लोगों को बताया था यही सरप्राइज था। मुझे आज अवार्ड मिला है इंडस्ट्री लीडर अवार्ड 2023, जो कि मुझे दिया गया है शिल्पा शेट्टी के द्वारा। तो गाइज अभी आप लोगों को मैं अवार्ड दिखाता हूँ, और मुझे जो सर्टिफिकेट मिला है वो भी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो गाइज ये रहा हमारा अवार्ड, इंडस्ट्री लीडर्स अवार्ड्स 2023, और ये हमें मिला है सर्टिफिकेट बेस्ट रियल इस्टेट कंपनी इन कोलकाता। कंपनी का मेरा नाम है SS प्रॉपर्टी। तो गाइज अभी सर्टिफिकेट खोल के देखते हैं। तो ये सर्टिफिकेट मिला है गाइज मेरी कंपनी को, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस ब्रांड एम्पावर इंडस्ट्री लीडर्स अवार्ड्स 2023 प्रेजेंटेड टू SS प्रॉपर्टी फॉर बेस्ट रियल इस्टेट कंपनी इन कोलकाता। तो गाइज बहुत ही खुश हूँ मैं, ये अवार्ड मुझे मिला है, मेरी कंपनी को मिला है, आज काफ़ी खुश हूँ। आज सेलिब्रेशन का दिन है। तो गाइज अभी अवार्ड को रखते हैं, चेंज करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं गाइज। तो गाइज सेलिब्रेशन हमारा हो चुका है, और हमने डिनर भी कर लिया है, राहुल यहाँ पे सो चुका है। और गाइज आज तो बहुत ही एकदम प्राउड मोमेंट था, शिल्पा शेट्टी से हमने अवार्ड लिया आज, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो गाइज आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा ये सरप्राइज़ कैसा लगा। और गाइज मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ये व्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट और शेयर तो गाइज ज़रूर ज़रूर से करिएगा। तो चलिए गाइज आज के लिए इतना ही, आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।